तो भाई अब आ चुके हैं हम सीतापानी बंदेज में अंदर, जो है एक बरसाती नदी है। तो यहाँ पर से हमको आगे जो है कुछ फुटप्रिंट देखने को मिला है। देखो ये दो दो पैरों के निशान है इसके, दो जानवर की भरमार है भरमार। ये देखो बस हम टाइगर का स्पॉट करना चाह रहे हैं कि अगर हमको टाइगर का फुटप्रिंट मिलता है या टाइगर यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ये देखने की कोशिश है हमारी। देखो शिकार तो यहाँ बतेरा है लेकिन शिकारी कहाँ है। ये भाई देखो टाइगर का फुटप्रिंट आज मिल गया है बहुत कड़ी मेहनत के बाद। तो भाई आप देख रहे हो नमो बंधु, और आज फिर आ चुका है आपका भाई आपको लेकर के जंगल में। तो यहीं से आप सफर हमारा आगे का शुरू कर रहे हैं, तो जैसे भी होगा आगे आपको सब दिखाएंगे। तो भाई हम आ चुके हैं आज फिर से सीतामणी वन रेंज के अंदर। तो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको भी मेरे चलने से आवाज सुनाई दे रही हो तो ये चल रहा है इसमें पतझड़ का समय। तो इस समय जंगल में शिकार करना शिकारी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो भी बाघ है तेंदुआ है इस समय उनके लिए शिकार करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही वो चलते हैं, अभी आपको अगर अंदाजा लग पा रहा हो तो मेरे आपको पैरों से पता चल रहा होगा कि कितनी आवाज इन पत्तों की वजह से हो रही है। तो ये देखो भाई कितना पत्ता यहाँ पर पूरे जंगल में पड़ा है। तो इस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये बहुत ही टिपिकल समय होता है पतझड़ का शिकारी के लिए शिकार कर पाना, क्योंकि वो जैसे ही कोई हरकत करता है तो उसके हिलने से पहले ही आवाज हो जाती है। वैसे जो टाइगर होता है उसके पैरों के नीचे बेशक गद्दानुमा होता है, इतनी आवाज तो नहीं होती है जितनी आवाज हमारे पैरों से हो रही है, लेकिन फिर भी जो शिकारी की जो चाल होती है वो उस चाल में नहीं चल पाता है। तो ये देखो अगर नजर आ पाए तो अभी भी रेगुलर जो है पत्ते गिर रहे हैं इसमें से, जैसे ही हवा चल रही है वैसे ही कुछ पत्ता नीचे गिरते जा रहा है। तो भाई अब आ चुके हैं हम सीतापानी बंदेज में अंदर, जो है एक बरसाती नदी है। तो यहाँ पर से हमको आगे जो है कुछ फुटप्रिंट देखने को मिला है जिसमें हिरन आगे को बड़ा है, तो लेकिन क्लियर बिल्कुल नहीं है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। आप देखो पीछे का व्यू देखो, ये जो झाड़ी है इसके पीछे ही शिकारी जो जानवर है इसके पीछे ही बैठ करके घाट लगाता है, और यहाँ से जब निकलता है जानवर तो वो उस पर तुरंत उस पर अटैक करता है। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, जैसे भी हमको कुछ फुटप्रिंट मिलता है मैं आगे क्लियर करूंगा। एक बार पूरा व्यू देखिए आप यहाँ से भाई। तो हम ये सीतामणि जो वन रेंज है बिल्कुल उसके बीचों बीच में इस समय खड़े हुए हैं, बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। तो यहीं से मैं आपको एक इसका पूरा साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। देखो जो सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ये बहुत ही घनघोर जंगल है, और बीच में ये बरसाती नदी है। और ये देखिए अब इस तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सामने की तरफ भी बड़ा बिल्कुल जो जंगल है ना एकदम बिल्कुल घनघोर जंगल है भाई। इसमें पीछे क्या है क्योंकि झाड़ी इतनी बड़ी है ना तो पीछे का हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी इसी नदी हम आगे चल रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पर से फिर ये हिरन का गया हुआ है, ये देखो ये एकदम क्लियर है, शार्प है, एकदम क्लियर, एकदम साफ है। और ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इसे, ओ मार्क करने में तो मिट गया। ये भाई देखो ये बारहसिंगा का पैर है जो मैंने मार्क कर रखा है, और यहीं से वो आगे को निकला है। ये देखो ये यहाँ से आगे को बढ़ते हुए ये इस तरफ को गया है सामने जंगल को। ये देखो भाई ये सामने इस तरफ से रास्ता बना हुआ है, ये जानवर इसी तरफ को चल करके गया है। अब ये देखो ये जो नदी है इसमें रेत बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर फुटप्रिंट पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये मिट्टी है ये देखो यहाँ पर बहुत से फुटप्रिंट है। ये मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर, ये देखो ये जो ये वाला है ये जो है ये हिरन और बारहसिंगा ये पूरा ग्रुप यहाँ से आगे को ये देखो रास्ता बना रखा है यहाँ से इनने, ये यहीं से आगे को जंगल के अंदर यहाँ से गया हुआ है। ये देखो भाई जब जैसे अभी धूप बहुत तेज हो गई है, जब कभी ऐसी धूप हो जाती है तेज तो यहाँ पर ही बैठ करके जो बाघ है ऐसी छाया में बैठ करके यहीं पर आराम करता है। ये देखो और ये जो पेड़ है ये वही पेड़ है जो मैं आपको पहले दिखाते हुए आ रहा हूँ, ये सब हाथी के फेवरेट है। तो यहाँ पर ही उसने सब खा करके गिराए हुए हैं। ऊपर भी देखो ऊपर की तरफ भी यही नज़ारा है, और ये व्यू है भाई। ये गया देखो, ये देखो पूरा ग्रुप है, ये देखो ये यहीं से ही आगे हो गया है,
और देखो यार कितना बड़ा ग्रुप है भाई, ये देखो पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से ये निकला है, ये देखो ये दो दो पैरों के निशान है इसके, दो एक फ्रंट और बैक, ये देखो यार ये कितना साफ है, एकदम शार्प है एकदम, जहाँ मिट्टी है वहीं पर ही ये क्लियर देखने को मिल पा रहा है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। ये देखो अब यहाँ आगे ये इस तरीके का सरफेस आ गया, तो इसमें फुटप्रिंट जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है, फुटप्रिंट देख पा रहा आप, देखो जहाँ मिट्टी आई वहीं से क्लियरिटी चालू हो गई, ये देखो ये भाई, और यहाँ से क्रॉस करके ये आगे की तरफ गया, मेरे को लगता है वहां से एक रास्ता दिख रहा है, ये नीचे से घुमा होगा, ये देखो जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही, ये यहाँ से गए हैं फुटप्रिंट, ये देखो, और आगे से हमको एक रास्ता दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ है भी रे अंदर, आवाज आ रही है अभी, छड़छड़ हुई है, ये देखो यहाँ पर तो क्योंकि काफी ऊंचा है तो यहाँ से चढ़ने में बड़ी दिक्कत है, तो लेकिन ये है रास्ता, यहाँ से अंदर जंगल को जा रहा है, ये देखो क्या व्यू है, क्या नजारा है। तो भाई बहुत से लोग हैं जिनके अब सिर्फ दिमाग में जंगल को लेकर के सिर्फ टाइगर ही आता है, तो यार मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जंगल से प्रेम है आपको, आप वाइल्ड लाइफ प्रेमी हो, तो यार जंगल का आनंद लो, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लो, टाइगर तो कभी ना कभी दिख जाएगा, है ना, तो लेकिन नहीं, तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ जब भी आप जंगल में आ रहे हो या वाइल्ड लाइफ में आप इंटर कर रहे हो, तो उसकी हर चीज़ को एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जब आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हो, जब आप वहाँ जा रहे हो आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो यार कभी ना कभी दिखते ही रहता है, तो मेन चीज़ होता है सुकून, अगर आपको भी सुकून मिलता है हरियाली में, इस सन्नाटे में, शांति में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो भाई जानवर की भरमार है भरमार, ये देखो बस हम टाइगर का स्पॉट करना चाह रहे हैं, कि अगर हमको टाइगर का फुटप्रिंट मिलता है या टाइगर यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ये देखने की कोशिश है हमारी, देखो शिकार तो यहाँ बतेरा है, लेकिन शिकारी कहाँ है, ये भाई देखो टाइगर का फुटप्रिंट आज मिल गया है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये मैंने इसको मार्क कर रखा है, ये देखो ये है टाइगर का फुटप्रिंट, और यहाँ से ये आगे की तरफ को गया हुआ है, बहुत पुराना होने की वजह से साफ ये क्लियर नहीं है, ये देखो ये भी टाइगर का फुटप्रिंट है, मैं मार्क कर रहा हूँ इसे, ये देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये गद्दी है उसकी नीचे की, एक दो ये उसके फिंगर, ठीक है, ये देखो क्लियर नहीं है, ये देखो ये थोड़ा सा साफ दिख रहा है, थोड़ा क्लियर है, तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो भाई ये टाइगर है, यहाँ से जानवर के पीछे पीछे ये आगे हो गया है, अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर और कोई इस रूट में दिखे, तो ये मुझे लग रहा है ये फ्रेश नहीं है, कुछ टाइम पुराना है, तो आगे का इसका कुछ हमको यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं फिर अभी और आगे चल रहे हैं क्या मिलता है हमें। ये देखे भाई ये है टाइगर, ये है भाई टाइगर का फुटप्रिंट, ये देखो यहाँ से, ये देखो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये है, और यहाँ से आगे गया है ये वाला, ये देखो भाई कितना बड़ा है, बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, ये देखो यहाँ से गया है और फिर ये बैंड लेकर के ये यहाँ से आया है, तो मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये है टाइगर का फुटप्रिंट, और ये इसी के बगल से ही ये वही रूट अपनाता है जिस रूट में शिकार चल रहा है, ये देखो ये भी टाइगर का फुटप्रिंट है, यहाँ से गया है, देखो बिल्कुल जहाँ जहाँ हिरण के पैरों के निशान है बिल्कुल उसी के रूट में गया है, ये देखो ये गया है यहाँ से फिर नीचे उतर करके ये सामने की झाड़ी में यहाँ घुसा है। ये देखो भाई हमने खोज निकाला है कि टाइगर किधर को गया है, ये देखो ये टाइगर ही है, और देखो एक यहाँ पर और क्लियर दिख रहा है, ये है टाइगर का फुटप्रिंट, और यहाँ से ये इधर गया है, मतलब पूरा चारों तरफ घुमा है उस शिकार के लिए, पूरी हर तरफ बैठा है, एक बार मार्क कर देता हूँ कांच को भोल बार,
तो भाई अभी तक हमको जो फुटप्रिंट मिले हैं उसमें से सबसे साफ, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया कहने में यही वाला दिख रहा है। ये देखो, ये मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा पुराना है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाए हैं वो फुटप्रिंट कुछ टाइम पुराने लग रहे हैं, लेकिन ये जो है ये हाल फिलहाल का बिल्कुल मेरे को नया फ्रेश एकदम लग रहा है। और बाघ का बहुत ही बड़ा ये पैर का साइज है। तो चल रहे हैं और आगे को दिखाते हैं आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है। भाई ये टाइगर के फुटप्रिंट हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये देखिए यहाँ से गया है और साइड में जो मिट्टी है वो दब चुकी है, क्योंकि ये सीताबानी वन रेंज की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से टाइगर गया है और ये देखो ये पड़ा है और ये यहाँ से सीताबानी वन रेंज के लिए आगे को जा रहा है। तो भाई ये सीताबानी वन रेंज वाला जो रूट है इसी पे हमको बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं। मेन रोड पे ये चला है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि जो बाघ जो है वो इंसानों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलना पसंद करता है। तो भाई ये है योजना का नाम, क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण वर्ष 2016-17 में जो जो चीजें, जो जो पेड़, जो जो वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं ये उनकी डिटेल है। शीशम, सीरस, कंजू, पंजी, जंगली जलेबी, सेमल, आम, कचनार, गुटेल, अमतास, पिलखन, नीम, बेहड़ा, बुकैन, टोटल जो है ये 13,200 पेड़ लगे हैं।